गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, मीन्स इनकी कटिंग करनी है, इनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो -30 अपॉन -45, 24 अपॉन -42, -216 अपॉन 144 एंड 39 अपॉन -24. सो इनमें से मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, या 24 अपॉन -42. अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इस तरह से इनको इनका HCF फाइंड आउट करना होता है 24 एंड 42 का. सो ये कैसे होगा, जो स्मॉलर नंबर होता है वो डिविज़र बनता है यहाँ. सो 24 आउटसाइड में एंड 42 बिगर नंबर डिविडेंड इनसाइड में आ जाएगा. नाउ 24 वन सा 24 एंड देन 42 में से 24 माइनस करते तो रिमाइंडर 18 आएगा. नाउ जो रिमाइंडर है फिर वो आपका क्या बन जाता है इस मेथड के अकॉर्डिंग, डिविज़र. सो 18 डिविज़र बन जाएगा एंड 24 डिविडेंड. नाउ 18 वन सा 18, सो 24 में से 18 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, 6 आएगा. सो अभी नाउ रिमाइंडर डिविज़र बन जाएगा, तो 6 डिविज़र बन जाएगा एंड 18 डिविडेंड. देन नाउ 6 की टेबल में 18 3 टाइम्स में आता है, सो इसका आंसर रिमाइंडर 0 आ जाएगा. और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अभी कौन सा नंबर है जो इस डिवाइड को कंप्लीट कर पाया है, तो वो नंबर 6 है. तो 24 एंड 42 का HCF क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. देन फिर अब आप इस नंबर की कटिंग, 24 एंड -42 है ये, तो इसकी 6 से कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 अपॉन -7. ओके, सो इस तरह से ये सेकंड किया और सिमिलरली इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस होंगे. देन क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. सो यहाँ आपको रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है एंड द फर्स्ट इज 2/7. सो 2/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 0 एंड 1 के बीच में नंबर लाइन में शो होगी. देन -13/6, -7/5 एंड 12/-5. सो यहाँ मैं आपको इसका थर्ड जो क्वेश्चन है -7/5 उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो ये नंबर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो अब ये नंबर कौन से टू रैशनल नंबर्स के बीच में शो होगा, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर -1/2/5 आएगा, है ना. देन अब आप क्या करेंगे, ये रैशनल नंबर कौन से टू नंबर्स के बीच में शो होगा, तो ये 1-1 एंड -1 के पहले क्या आता है, बिफोर -2. सो ये -1 एंड -2 के बीच में शो होगा ये -7/5. और कैसे शो करेंगे, तो 0 एंड देन लेफ्ट साइड में -1 एंड देन -2. इस तरह से आप नंबर्स ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन में. एंड देन अब आप डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो आपको 0 और -1 के बीच में एंड देन -1 एंड -2 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं. सो 5 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए आपको लाइंस कितनी ड्रॉ करनी है बीच में, 1, 2, 3 एंड 4. सो 4 लाइंस बीच में ड्रॉ करेंगे, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन 6 एंड देन 7. तो यहाँ आपका -7/5 इस तरह से नंबर लाइन में शो हो रहा है. देन सिमिलरली इसी तरह से 12/-5 है ये नंबर, सो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से -2, 2/5 राइट करेंगे, और ये नंबर आपका -2 एंड -3 के बीच में शो होगा. सो इसको नंबर लाइन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0, -1, -2 एंड -3. नाउ डिनोमिनेटर में 5 है, तो आपको इनके बीच में 4 लाइंस ड्रॉ करनी है सबके बीच में एंड 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं. सो नाउ अब आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, देन 11 एंड देन 12. सो यहाँ आपके -12/5 इस तरह से नंबर लाइन में शो हो रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. इन रैशनल नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है आपको ये फाइंड आउट करना है. ओके, देन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ आपको इन रैशनल नंबर में स्मॉलर नंबर कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है. सो इनके सॉल्यूशन सिमिलर ही होंगे. सो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड -3/16 और 5/-9 ये वाला सोल्व करके बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो डिनोमिनेटर 16 एंड 9 है,
तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 144 होता है। नाउ अब -3/16 में डिनोमिनेटर 16 को आपको 144 बनाना है। सो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करना है आपको इस फ्रैक्शन को। तो 16 9s are 144 एंड 3 9s are 27 एंड बिकॉज यहाँ माइनस है तो ये -27/144 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। देन 5/-9, नाउ 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 144 बन जाए, तो आपको 9 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 9s are 144 एंड 16 5s are 80 इसका आंसर आएगा। और आप इसको यहाँ जो 16 होगा वो आपका नेगेटिव होगा बिकॉज़ ये नंबर भी नेगेटिव है और आपको आंसर पॉजिटिव में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, -16 में से दोनों -16 होंगे ये, एंड देन 16 5s are 80 है, फिर वो आपका माइनस का हो जाएगा -80 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 144। नाउ अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ये लाइक फ्रैक्शन है। सो दिस इज़ -27/144, दिस इज़ -80/144। सो ग्रेटर नंबर कौन सा होता है, जो नेगेटिव में स्मॉलर होता है नेगेटिव नंबर्स में वो ग्रेटर होता है। सो यहाँ -27/144 इज़ ग्रेटर। सो आप क्या राइट करेंगे, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, -3/16। सो -3/16 इज़ ग्रेटर देन -5/-9। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। मीन्स यहाँ यही पूछा है कि ये रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है क्या। तो आप देखिए यहाँ 7/4 है और ये -35/-20 है। सो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे बिकॉज 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एंड 4 को 5 से करेंगे तो 4 5s are 20 और -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सो ये इक्विवेलेंट पेयर्स है। देन 20 -24/42 और इसका आंसर 4/-7, क्या ये इक्विवेलेंट हो सकता है। सो 4 को 24 से डिवाइड करते हैं, 4 से 24 को डिवाइड करते तो आंसर 6 आता है। देन इस तरह से 7 को 42 में 7 का डिवाइड करते तो भी आंसर 6 आएगा। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और कौन से 6 है, -6 है, 4 6 are 24 और -24 हो जाएगा वो। देन -7 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 42 हो जाएगा। तो ये भी आपके क्या है, रैशनल नंबर, सेम रैशनल नंबर्स हैं। देन यहाँ 5/-8 है, सो क्या वो -15/16 हो जाएगा। सो आप यहाँ 5 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ -8 को 2 से, तो कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है। सो यहाँ हमने क्या किया, इनको इक्विवेलेंट बना दिया, देन हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/16 ये आंसर आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने पर, और जबकि यहाँ क्या आंसर है, -15/16 है। सो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर नॉट सेम रैशनल नंबर्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सो इसमें इनको अरेंज करना है और मैं आपको इसका अभी सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो यहाँ देखिए -11/-15, -7/10, 3 -3/20 एंड 7/-30। सो ये डिनोमिनेटर्स में जो नंबर है इनका एलसीएम क्या आएगा, 15, 10, 20 and 30 का एलसीएम 60 आएगा, बिकॉज इन सभी नंबर्स के टेबल में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 60 ही आता है। नाउ अब क्या करेंगे आप, इन सभी फ्रैक्शंस को इनके डिनोमिनेटर्स को 60 बनाएंगे, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। सो ये फ्रैक्शन 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 11 4s are 44, -44/60 इस तरह से आंसर आएगा। देन यहाँ 10 है तो इसको 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, सो देन 7 6s are 42, -42/60 हो जाएगा ये। देन 20 3s are 60 एंड 3 3s are -9, देन 32s are 60 एंड 7 2s are -14। सो असेंडिंग ऑर्डर में इनको कैसे अरेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ ये सारे नेगेटिव नंबर है, सो नेगेटिव में जो बिगर नंबर होता है वो स्मॉलर होता है। सो दिस इज फर्स्ट स्मॉलेस्ट, देन सेकेंड इज दिस, देन थर्ड इज दिस एंड देन फोर्थ इज दिस। सो इस तरह से ये अरेंज होंगे।
नाउ इनके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, -11/15, -7/10, देन -7/30 एंड देन -3/20। सो इस तरह से इनको राइट करेंगे, ओके। एंड देन असेंडिंग ऑर्डर में साइन कौन सा आते हैं, लेस देन के, तो आपको लेस देन के साइन यहाँ लगाने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 में डिसेंडिंग ऑर्डर है, उनके सॉल्यूशन भी सिमिलरली इसी तरह से होंगे। एलसीएम लेके देन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बनाएंगे डिनोमिनेटर्स को, एंड डिसेंडिंग में हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करेंगे नंबर्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलर क्वेश्चन है, जहाँ आपको 2 रैशनल नंबर के बीच में बिटवीन में कितने रैशनल नंबर्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो पूछा है। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/7 and 3/-5, इनके सॉल्यूशन 7th और 8th के बिल्कुल सिमिलर है। सो यहाँ देखिए 8th वाला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, अगेन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, तो 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा। देन आप डिनोमिनेटर्स को इक्विवेलेंट बनाएंगे, तो यहाँ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 35 एंड 2 5 10 -10, एंड यहाँ 3 से 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ, बिकॉज ये नंबर भी नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन ये 3 7 21 -21/35 आ जाएगा। अब इनके बिटवीन में आपको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, सो 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे इनके बिटवीन में, -10/35 एंड -21/35 के बिटवीन में। सो यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होंगे, -10 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, सो -11/35, -12, -13, -14 एंड -15। सो इस तरह से इनके बीच में ये 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ आपको ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल्स टू के साइन इनके बीच में लगाना है, सो -7/11 and 0। सो हम जानते हैं कि 0 से नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, 0 नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो यहाँ लेस देन का साइन आएगा। देन सेकेंड -16/-24 है, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एंड 8 की टेबल से इनकी कटिंग हो जाएगी, तो ये 8 2 16 और ये 8 3 24 हो जाएगा, तो इनका आंसर 2/3 आ रहा है, सो ये इक्वल है। देन 7 and -84/-12, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एंड 12 की टेबल में 84 7 टाइम्स में आता है, सो ये वैल्यूज़ भी इक्वल है, इसलिए ये आंसर इक्वल्स में आएगा। देन -5/21 and -7/42, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 2 42, देन -5 2 -10 होना चाहिए, एंड यहाँ क्या है, -7 है, तो ये जो नंबर है इसको अगर हम इक्विवेलेंट करेंगे तो ये -10/42 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10/42 हो जाएगा, एंड -7/42। सो नंबर कौन सा ग्रेटर है, बिकॉज हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम नेगेटिव नंबर में जो स्मॉलर होता है वो बीकर होता है, सो -7/42 इज़ द बीकर, सो आप यहाँ लेस देन का साइन लगाएंगे। देन -13/5 एंड ये -16/-7 है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, और दिस इज़ नेगेटिव नंबर, सो ये दिस इज़ द ग्रेटर वैल्यू, सो आपको लेस देन का साइन लगाना है। देन 5 and 15/-4, सो ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, सो अगेन आप यहाँ पॉजिटिव का यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो है उनका उनके सॉल्यूशन सिमिलरली जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए हैं उस तरह से होंगे।